चंदन उपाध्याय जी हमारी हीरोइन है, स्मृति सिन्हा जी। सौभाग्य है कि महादेव की नगरी में आने का हम लोगों को मौका मिला, और आप सबको प्रणाम। आप सबके चैनल के जरिए जे भी हम सबके देख रहा हुआ भैया चाचा माता बहन सबके पैर छू के प्रणाम बा। फिल्म के नाम बा हर हर गंगे, और मैं थैंक यू बोलूंगा अपने डायरेक्टर को जो आज के माहौल में इस सोच को लेके आए मेरे पास कि भैया मुझे इस टाइप की फिल्म करनी है। तो दिल दोगुना हो गया, बड़ी चौड़ा हुआ कि यार चलो बहुत खुशी की बात है। ये तो मतलब मेरा भाग्य है कि ये प्रोजेक्ट आप मेरे पास लेके आए, और ये हम सब कलाकार का भाग्य है जो हर हर गंगे फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है। फिल्म की कहानी वगैरह क्या है, किस तरह का किरदार है, इसके नाम में माँ गंगा है तो क्या है? हर हर गंगे फिल्म के नाम पर थोड़ा सा हम कलाकारों को भी थोड़ा सा बांध दिया जाता है कि कहानी को डिस्क्लोज ना किया जाए, इसलिए मैं अपने डायरेक्टर को भी अपने साथ बैठा लिया कि जहां मैं फंसूंगा मैं बोलूंगा भाई थोड़ा सा शेयर करिए बस। बट लेकिन थोड़ा सा ये जरूर ये है कि ये हम लोग हमारा मतलब सोच और भाव यही है कि गंगा माई में जवन गंदगी फैलावल जाता है या कुछ मतलब गंगा सफाई अभियान के ऊपर ये हमारी फिल्म है। मुझे गंगा माँ को साफ करना है। गंगा की सफाई की आप बात कर रहे हैं, पहले भी काशी आते रहे होंगे, तमाम प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बदलाव नजर आता है आपको भी काशी में? काफी बदलाव, हम लोग पहले भी बनारस आते थे, माँ गंगा का हम लोग स्नान, हमारे तो गंगा किनारे हमारे जन्मे है, तो गंगा माई की माई है, और जो कल था माँ तो माँ है, लेकिन जो माहौल कल था और आज में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। चाहे पूरे डिपेंड है बनारस पे, फिल्म के बारे में इश्यूज किए गए आज के डेट में हमारे भोजपुरी भाषा जो होगा, ये बड़ा खुशी होता है, बहुत दिल चौड़ा होता है कि आदमी इंडिया के बाहर भी शूट करता है तो हमारे यूपी बिहार से भाई कोई ना कोई मिल ही जाता है, फैमिली माता बहन लोग मिल ही जाला, तो ये खाली यूपीए बिहार के लेके फिल्म लेके मतलब पूरे हिंदुस्तान मतलब पूरा समाज के लेके ये हिंदुस्तान में मतलब एक गंगा सफाई अभियान जो अनबा ये खाली यूपी बिहार के लेके नहीं थे, ये सबके लिए बाकी मतलब हम